जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नई लोकेशन पे। और ये लोकेशन दिखा दो भाई एक बार। ये लोकेशन है बहुत फेमस, मेरे ख्याल से जो अभी जिस इस टाइम पे फेमस यूट्यूबर चल रहे हैं हमारे एल्विश यादव भाई, एल्विश भाई जो रील वायरल हो रही है, उनकी लोकेशन है। तो मेरे ख्याल से जो भाई घुसे थे ना, वो दूसरी तरफ से, और हम बिल्कुल अंधेरे में पीछे से। इधर दिखाओ एक बार, ये देखो, बिल्कुल अंधेरे में पीछे से हम आए हैं, क्योंकि हमें रास्ता सामने समझ नहीं आया कि कहाँ से हमें एंटर करना है। ठीक है, तो आज हम आए हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने। और इन्वेस्टिगेशन से पहले ही देख लो भाई, यहाँ पर ये सब चीज़ें, मतलब दिन में लोग आते होंगे आराम से, शाम वाम में पार्टी वार्टी करते होंगे। ये है हमारे एल्विश भाई की हॉन्टेड लोकेशन। लग तो रही भाई, देखने से कुछ कुछ लग तो रही है। एक बार ईएमएफ चेक कर लेते हैं, तो पॉइंट्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। देखने में मुझे सारे एक जैसे लगते हैं। ये वन मैंने ऑन करा हुआ था, ये किचन एरिया है, किचन भी है और रूम भी है, और पीछे बालकनी एरिया है, दो बाथरूम है, इधर पूरा पीछे कहीं है। ये मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। इलेक्ट्रिक वाले में भी कहीं कुछ ईएमएफ का नहीं है, तो वायरिंग नहीं है मेरे घर से, यहाँ पे नहीं है वायरिंग। यहाँ भाई ने लोकेशन बताई है होटल, और यहाँ पे दिखती है सफ़ेद साड़ी में जो नॉर्मली लोग टाइम पे चमगादड़ घूम रहे हैं, यहाँ पे कान पास टूटे हैं, ध्यान जा रहा है। हॉन्टेड लोकेशन है, यूट्यूब पे फेमस, ईएमएफ का कोई भी साइन नहीं है यहाँ पे। बड़ा तो पीछे एक बार यहाँ से भी बता दो, यहाँ पे एक बिल्डिंग भी है। भाई ने बोला था कि यहाँ पे एक सफ़ेद साया दिखाई देता है, लेकिन साये का निशान भी नहीं दिख रहा मुझे। हाँ एक है भाई, सफ़ेद है, देखो कुछ सफ़ेद दिख रहा है ना पोल पे, ये पोल पे देखो सफ़ेद दिख रहा है ये, लेकिन वो पोल ही है। ठीक है, और ये इस तरह के फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पे। एल्विश भाई के वीडियोस में देखा था मैंने, और एल्विश भाई ने बोला कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो, तो हम आ गए। लेकिन ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, करीब मुझे नहीं। तो भाई मेरे ख्याल से एल्विश भाई नीचे ही पूरा वीडियो शूट करके चले गए, दिखा दे एक बार। ये फ्लोर था मेरे ख्याल से एल्विश भाई यहाँ पे शूट करके चले गए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम जाते हैं बिल्कुल अंदर तक, तो नहीं मानते। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है, अगर भाई को कुछ फील हुआ है तो हो सकता है, बाकी ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा यहाँ पर होगा। तो संभाल के ये रुका हुआ है,
ये कुछ सस्पिशियस है थोड़ा सा। और यहाँ पे दिन में मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गए लोगों लोगों ने करा हुआ है काम अपना शाम को हमने, तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। और ऐसा कुछ फील नहीं हुआ दिखा दो इधर, लेकिन कुछ कुछ अजीब चीजें हुई है। मतलब अगर जिस किसी को कुछ जलाना है तो नीचे भी जला सकता है भाई, ऊपर आके दो दे और थोड़ा अजीब लग रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर है भाई, चलते हैं भाई। चेंज होता जा रहा है सब कुछ। नहीं अब ये देख ना, ये है भाई कुछ अजीब सी कॉटन रोई जैसा है कुछ संभाल के। या तो नीचे लगी है या फिर नीचे की चोरी होगी। हाँ हो सकता है ऊपर तक पहुँच ना पाए। इसके ऊपर और नहीं है लेकिन सेम है डिजाइन, सब सेम है। तो जैसा कि बता रहा हूँ मैं, एलबी स्पाही आए थे यहाँ पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे थे। और हम आए हैं कौन से फ्लोर पे हैं? ये फोर्थ है शायद, एक दो फिफ्थ चार फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं हमें, ये हमें चेक करें एक बार। क्योंकि यहाँ पे वायरिंग नहीं है कोई, हमें नहीं है भाई। तो भाई देखो ये तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आप ऐसे भी आ जाओ कोई लोकेशन शूट कर लो, उससे नहीं होता। प्रॉपर गैजेट्स हो, इसके बाद मेरे ख्याल से ऊपर टेरेस है। हाँ ठीक है, टेरेस पे जाके हम कुछ जाके भाई ये बता कि यहाँ पे कौन से एक्टिविटीज होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटी हमारे सामने पे आई है अभी तक। एक बार एक काम करते हैं, ये कॉटन कैसी है ये समझ लिया आपने? कॉटन कैसी है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करो कि ये कॉटन का कैसे है, क्योंकि हर फ्लोर पे मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये, एक बार कर लेते हैं लाइट थोड़ी सी डिम कर दो भाई। तो भाई आज करते हैं अंधेरे में इन्वेस्टिगेशन, लाइट बंद करते हैं भाई बिल्कुल। स्टार्ट हो जाते हैं इस पे काफी है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? हम इस हॉन्टेड अपार्टमेंट में खड़े हैं, क्या कोई मौजूद है हमारे आसपास? कोई भी अगर मौजूद है तो हमें बताइए आप हैं हमारे आसपास। कुछ तो आई भाई होगा, लाइट जला लाइट जला लाइट जला बाहर क्या था? इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे कुछ मूव होके गया है इसे। कुछ लाइट जैसा कुछ लगा, लेकिन लाइट तो यहाँ पे है ही नहीं।
पढ़ रही थी। नहीं यार, हमारी लाइट चली गई है, तो यही करते हैं, यही करते लाइट ऑफ कर, लाइट लाइट ऑफ करते हैं। हाँ, हम यहाँ पे बाहर ही खड़े हैं, क्या आप हमारे आसपास हो? हाँ हाँ बोला मुझे ऐसा, कौन हो आप? क्या नाम है आपका? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं क्लियर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। हैं? तुझे भी लगा ना? मैं बोलने वाला था कि एक बार छत पर चढ़कर देखते हैं कि यहाँ से कुछ मुंह बताओ दिखा। नहीं, मुझे यहाँ से दिखा जैसे कुछ गया है, लेकिन इसके बाद तो छत ही है यहाँ पे, ऊपर चढ़कर देखते हैं कुछ है कि नहीं, देखना है। चल संभाल के चलिए, मगर भाई पहले अभी तक दर्द है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को सच दिखाने के लिए ऐसे लोग। अरे भाई ये क्या उठते गए, ये कैसे है? ये क्या अजीब चीज है, ये तो नोटिस करी, नीचे टंकियां, टंकी टूटी हुई है और यहाँ कटी हुई है, नीचे टंकियां टूटी पड़ी हैं। हाँ है? सही कहा तूने, नीचे टंकी टूटी पड़ी है, सारी टंकियां टूटी हैं नीचे, और ऊपर टंकियां कटी पड़ी हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टंकियां। स्पिरिट बॉक्स पे कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन कुछ 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 एक्टिविटी हो रही है बीच में, जैसा कि मुझे भी लगा कोई खड़ा है और दिनेश को भी लगा कोई खड़ा है, इसलिए हम टेरेस पे आए हैं देखने के लिए, और ये मिला भाई हमें, और कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेंज है, और ये भी देख लीजिए टूटा हुआ है, वो तो खैर कंबाइंड होगा, जॉइंट करा होगा पहले, ये भी देख लगी। अरे टकर टकर गया यार मैं इससे। किससे? इससे। हाँ यार, ये बड़ी देखने में बड़ी अजीब चीज है, 10 नहीं 11 टंकी एक्चुअली में, वो 2 हैं, एक के ऊपर एक है, ये 11 टंकियां काटी गई हैं चुराने के लिए, या काटी हुई टंकी और टूटी टंकी क्यों ही चुराएंगे, अजीब नहीं लग रहा कुछ? वही तो, चुरानी होती पूरी उठा के ले जाते, बर्बाद करनी होती तो उठा के फेंक देते, काट के नीचे फेंकी है। यहाँ कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन इस फ्लोर पे नीचे की साइड में यहाँ पे फील हो रहा, जैसा कि आप लोगों में बताया आराम से कि सिग्नेचर के पैर में फिर से दर्द हो गया मेरे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना, अब वहां से लगा मुझे। इस रूम से लगा मुझे, ये आवाज कहाँ से है? ये आवाज कहाँ से आई अभी भी? ये तो ही मैंने लगाया था, पीछे से आवाज आई कुछ हल्की सी, मैंने ये मुंह करा पीछे से आवाज आई। देख पीछे देख, पीछे से है कुछ नहीं, ये तो खत्म लग रहा है, देखियो
पता नहीं स्ट्रेट है थोड़ा सा, मतलब ऐसा कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे बीच बीच में कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसको एक्टिविटी भी नहीं बोलूँगा। जैसा मैंने आपको आप लोगों को बताया था, क्लियर ऑडियंस, ठीक है, तो मुझे आवाज़ें सुन रही हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। ये ना मीटर पे कुछ शो नहीं कर रहा, मीटर पे भी कुछ शो नहीं कर रहा है। हाँ मीटर कुछ नहीं आ रहा, पैर में दर्द हो गया दोबारा से, मतलब देख लो भाई आप लोगों के लिए पैर टूटे हुए में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और आप लोग एक कमेंट करते हो, सिर्फ एक कमेंट करते हो भाई, टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास है भाई, ये ऐसी लोकेशन पे आना टाइम पास है। दर्द हो रहा है पूरी हेडी में, दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। तो भाई यही है देखो लोकेशन सामने है, से मतलब बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो कोई डेड बॉडी पड़ी है नहीं। हाँ ये देखिए देखिए देख सो रहा, ये ना टूटी टंकी नीचे पड़ी है, इनके कटे हुए हिस्से ऊपर पड़े हैं, बड़ी अजीब चीज़ें आ रही है। ठीक है ट्रांसफॉर्मर है भाई, कोई वायरिंग नहीं है कुछ नहीं है। तो भाई जगह तो देखो थोड़ी सी सस्पिशियस है, लेकिन ना हमारे गैजेट में कुछ आया, ना हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फील आई, कुछ लगा बीच में, हो सकता है वो रिफ्लेक्शंस हो सकता है वो कोई मौजूद भी हो, ऐसा कुछ क्या हो, मुझे भी लगा जैसे कुछ मूव हो गई हल्के से आ रही पीछे से, मतलब मैं वो ये इधर भी दिख रही थी, एक लाइट सी दिख रही है बीच में से, कुछ चमक रहा है बीच में कुछ था। ये देख रुक 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 उधर का उधर का देख, ये देख ये क्या चमक रहा है, अरे साला वहाँ कुछ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सामने कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पे चमक रहा है, चमक रहा है ना। हाँ तो भाई यही है, मतलब कंफ्यूजिंग है ये जगह, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ भी नहीं हमें एविडेंस मिला कि जिसके बेस पे हम कह सकें कि ये जगह हॉन्टेड है। पता नहीं भाई, देखो ऐसी अबेंडेंट जगह है ना, यहाँ पे स्पिरिट्स होती हैं, मौजूद होती हैं यहाँ पे, आई तुझे आवाज़ तो आ रही है यार, काफ़ी देर हो गई जब तो से एंट्री लिया तब से एक अजीब सी आवाज़ पीछे कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन को हम यही रोकते हैं क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें नहीं मिला है, हो सकता है आज यहाँ पे मौजूद ना हो सकता है किसी और दिन किसी और रात हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ एविडेंस मिले। क्या हो गया भाई यहाँ से कुछ, इसके पास टैंक के पास टैंक के पीछे से कुछ आवाज़ ही हल्की सी, कोई बात चल भाई, मैं यही कह रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं आया, दिनेश को काफ़ी फील हो रहा है यहाँ पे, मुझे भी एक दो बारी दिखी ऐसी चीज़ कुछ लाइट सी मूव होती हुई, हो सकता है वो हमारी लाइट भी हो सकता है वो कोई स्पिरिट भी हो, कुछ तो है सौरभ यार, कुछ तो हल्का फुल्का हुआ है यहाँ पे, कुछ तो है मुझे भी लग रहा है, मुझे आवाज़ें आ रही है मूव करने की चलने की। कुछ वाइट वाइट हल्का हल्का ये देख, ये इसमें नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं कैप्चर नहीं हो रहा भाई,
कैप्चर नहीं हो रहा भाई, लेकिन यहाँ दिखा था मुझे विंडो में कुछ है ना, विंडो है ना ये, लेकिन इसमें शीशा भी नहीं है, रिफ्लेक्शन बोल सके उसको, शीशा नहीं है, शीशा नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पे एक्टिविटी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस जगह को हॉन्टेड बोलूँ या फिर कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, लेकिन जानवर ऐसे थोड़ी रिएक्ट करेगा भाई। ये क्या हो रहा है, फ्लिकर कर रही है भाई? इससे पहले हमारी लाइट बंद हो ना, मेरे ख्याल से हमें इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रोक देनी चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हमें नहीं मिले, लेकिन कुछ 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 हो रहा है बीच में। गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी? आस पास ही है इधर, नहीं यहाँ से एंट्री ली थी हमने वहीं पे। देख लो भाई आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी लोकेशन, इधर देखिए पूरा मंडल एरिया हॉन्टेड बताई थी भाई ने, एलविश यादव ब्लॉग्स ने हॉन्टेड बताई थी लोकेशन, उसको हम करके आए हैं, अभी इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें नहीं मिले। हाँ कुछ कुछ मिले हैं, कुछ कुछ ऐसा हमें साइटिंग्स भी हुई हैं। अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो साइटिंग्स लाइट की वजह से हुई है या क्या सीन है, लेकिन हाँ भाई कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया जाए अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और दो तीन कैमरा लगाए जाए, नाइट विजन लगाया जाए, तो आप लोग कमेंट करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।